तो दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन मिनक्यू की, जिसे एक बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है, जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो उसके शरीर पर बहुत ही खौफनाक दाने बनने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो जाता है या फिर मर भी सकता है। अब मिनक्यू भी चाहता है कि उसके गर्लफ्रेंड्स हों, लेकिन वो इस बीमारी की वजह से किसी को भी टच नहीं कर पाता। और अपनी इस बीमारी की वजह से इसने अपने आप को 10 साल से अपने घर में बंद कर ही रखा है। मिनक्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर ओ ने इसका इलाज करने की बहुत ही तो कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन इसका डॉक्टर इससे कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करना लगभग नामुमकिन है। और साथ ही में वो उसे एक बोझ भी देता है जिसके अंदर अलग अलग मोड होते हैं जो कि इसकी एलर्जी के लेवल को बताते हैं। ब्लू कलर में इसकी एलर्जी नॉर्मल, येलो में थोड़ा सा अटैक, ऑरेंज में इसकी सांसें कम हो जाएंगी और रेड में इसकी मौत हो जाएगी। अब मिनक्यू की बोझ उसकी सिचुएशन जानने में उसकी मदद करेगी, जो कि उसके लिए ठीक भी है। खैर अब इसके बाद एक दिन प्रोफेसर होंग नाम का साइंटिस्ट मिनक्यू से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट को बनाया है। अब क्योंकि वो रोबोट एक इंसान नहीं है, इसकी वजह से मिनक्यू उसे जब भी टच करेगा तो उसे कोई भी एलर्जी नहीं होगी। प्रोफेसर होंग उस रोबोट की कीमत पूरे $100 बिलियन बताता है। खैर अब अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर होंग के लैब में जाता है, जहाँ पर वो एक रोबोट को देख पाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है, जो कि प्रोफेसर होंग द्वारा बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिनक्यू इसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गया था। पहले तो वो उसे डर रहा था, लेकिन बाद में जब उसे टच करता है तो उसके शरीर पर कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब ये देखने के बाद मिनक्यू बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे कोई तो ऐसा मिल चुका था जिसे वो टच कर सकता है। अब क्योंकि मिनक्यू एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, तो इसकी वजह से उसके लिए पैसा तो मैटर करता ही नहीं है, चाहे वो $100 बिलियन हो या फिर $200 बिलियन। अब इसके बाद मिनक्यू उस रोबोट को खरीदने के लिए पूरे $100 बिलियन उसे दे देता है। अगले दिन प्रोफेसर होंग की टीम उस रोबोट पर रिसर्च कर रही होती है। अब तभी उस टीम में से एक बंदा सोडा की बोतल को फेंकता है और उस बोतल की बूंद उस रोबोट पर गिर जाती है। वो बूंद उस रोबोट के प्रोसेसर पर गिरी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस रोबोट का प्रोसेसर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब वहाँ पर यह सब देखने के बाद प्रोफेसर होंग की टीम पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिनक्यू के घर डिलीवर करना था। अब इस रोबोट को रिपेयर करने में इन्हें काफी दिन लग जाएंगे और इसकी वजह से इनकी शानदार डील कैंसिल भी हो सकती है। अब प्रोफेसर होंग इस बारे में सोच रहा होता है कि कहीं उसकी डील कैंसिल ना हो जाए, और तभी प्रोफेसर होंग को एक आइडिया आता है। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया को देखकर ही AJ3 को बनाया था। AJ3 और जिया देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो मिनक्यू के घर AJ3 की जगह जिया को भेजने का फैसला करता है। अब अगले दिन प्रोफेसर होंग जिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे बताता है कि वो अगर एक दिन के लिए AJ3 बने तो उसे 10 मिलियन देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया बहुत ही गरीब है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसकी वजह से वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर होंग उसे अगले दिन लैब के अंदर ले जाता है और वहाँ पर उसे उस रोबोट को दिखाता है। इसके बाद होंग की पूरी टीम मिलकर उसे सिखाती है कि AJ3 किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद वो उसे रोबोट की तरह कपड़े पहनाते हैं और रोबोट की तरह ही उसके बाल लगाते हैं, और साथ ही में उसे एक लेंस भी लगाते हैं जिसकी मदद से वो रोबोट की तरह देख पाएगी और प्रोफेसर होंग की टीम उसे मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। अब जिया को पूरी तरीके से समझाने के बाद उसे एक लोकर में बंद करके मिनक्यू के घर लाया जाता है। अब जैसे ही इसे लोकर से खोला जाता है तो जिया मिनक्यू को देखकर डर जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया डिलीवरी काम करती है और वो एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए मिनक्यू के पास पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर मिनक्यू उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर उसे लेने से इनकार कर देता है। जिया यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिनक्यू उससे फिजिकल कॉन्टेक्ट करने में डर रहा था, और इसके बाद वो यहाँ पर जिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि जिया मिनक्यू को देखकर डर गई थी, तो इसकी वजह से मिनक्यू जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करता है और कहने लगता है कि ये तुमने क्या भेज दिया, ये तो मुझे देखकर डर रही है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहने लगता है कि ये एक एडवांस रोबोट है और इसकी वजह से इसके दो मोड हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो एक पूरी तरीके से रोबोट की तरह काम करती है और फ्रेंड मोड में बिल्कुल इंसानों की तरह। इस समय जिया फ्रेंड मोड में, जिसकी वजह से वो तुम्हें देखकर डर गई। अगर तुम इसके पीछे वाले बटन को दबा दोगे तो वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम करने लगेगी और उसे ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। अब मिनक्यू उसकी बात को मान लेता है और वो रोबोट के गर्दन के पीछे वाले बटन को दबा देता है। अब उस रोबोट के रीस्टार्ट होने के बाद मिनक्यू उस रोबोट के इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट लेता है। इधर हमें लैब को दिखाया जाता है जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और इसकी वजह से इनका जिया के साथ कॉन्टेक्ट टूट जाता है। अब जिया को अपने आप से ही मिनक्यू को मैनेज करना होगा। अब सबसे पहले मिनक्यू उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने से पहले उसे एक मैथमेटिक्स सवाल को सोल्व करना होगा। अब जिया को तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसकी वजह से वो उस बॉक्स के पास जाकर उस बॉक्स को तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद मिनक्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
अब अगले टेस्ट में मिनक्यू उस रोबोट को 10 सेकंड में अंडे को छीनने के लिए कहता है। अब क्योंकि जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो इसकी वजह से वो आसानी से उस अंडे को छील देती है। वैसे 10 सेकंड में तो मैं भी छील दूंगा। अब मिनक्यू देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस रोबोट के इंटेलिजेंस लेवल की तारीफ करता है। इधर दूसरी तरफ लैब में अब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और अब जब वो जिया के लेंस की मदद से देखते हैं तो वे देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिनक्यू पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मिनक्यू ने उसकी बैटरी को चेक करने के लिए उसके सीने को टच करने की कोशिश की थी। अब इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है और इसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। अब ये सुनने के बाद प्रोफेसर होंग उसे एक और झूठ का बोल देता है और कहने लगता है कि उसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है। साथ ही वो मिनक्यू को बॉन्ड करता है कि वो उसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर अब इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से मिनक्यू का दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। मिनक्यू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी वक्त जिया उसके पास आती है और उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती है। मिनक्यू जब होश में आता है तो वो हैरानी के साथ उससे पूछता है कि बिना मेरे ऑर्डर के तुमने मेरी मदद कैसे की। जिया उसे कहती है कि बहुत सी ऐसी चीजें वो उसके बिना ऑर्डर के कर सकती है। यहाँ पर पहली बार मिनक्यू फिजिकल कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उसे किसी भी तरीके की एलर्जी फील नहीं होती। अब रात को जिया को लैब के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर होंग उसे डांटते हैं कि तुम्हें मिनक्यू के साथ इतने ज्यादा फ्रेंडली फील नहीं करना चाहिए था। जिया सुनने के बाद जिया को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वो वहां से जाने लगती है। अब क्योंकि जिया का एक दिन का काम था और अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो इसकी वजह से जिया वहां से चली आती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर होंग को एक बुरी खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि उनका जो रोबोट है AJ3 अब उसकी दिक्कत बढ़ गई है। इसकी वजह से उसे रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेजा गया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। अब तभी प्रोफेसर के पास मिनक्यू की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मुझे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए, क्योंकि वो उस रोबोट को डीपली तरीके से समझना चाहता है। अब प्रोफेसर होंग के पास जिया को वापस लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब जिया के पास जाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है। लेकिन अब जिया रोबोट बनना नहीं चाहती। तब प्रोफेसर होंग उसके सामने कुछ ज्यादा पैसों का ऑफर रखता है। अब क्योंकि जिया को पैसों की जरूरत थी तो इसकी वजह से वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि जब तक हमारा AJ3 रोबोट नहीं आ जाता तब तक तुम्हें मिनक्यू के पास ही रहना होगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम रोज रात को तुम्हें चार्ज करने के बहाने अपने लैब के अंदर ले आया करेंगे। खैर अब इसके बाद अगले दिन बदकिस्मती से जिया के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है। जिया वहाँ पर अपने आप को बहुत ही मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती और वह वहाँ पर फाट कर देती है। मिनक्यू हैरानी से पूछता है कि आखिर ये क्या आवाज है। तब वो रोबोट उससे कहती है कि ये आपने किया है। जल्दी उसकी स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है। अब जिया उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है, जिस पर वो भोला वाला मिनक्यू उसकी बात को मान भी जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई इंसान है भी नहीं, तो कोई और ये काम कैसे कर सकता है। इसके बाद मिनक्यू अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। अब जब मिनक्यू ऐसे चला जाता है तो जिया इस चीज का फायदा उठाकर वॉशरूम में चली आती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देख पाता है कि वहां से रोबोट गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है। वो देख पाता है कि जिया उसके महंगे परफ्यूम से उसके टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रोबोट तो पानी को हाथ भी नहीं लगाते और तुम ये सब कैसे कर पा रही हो। जिस पर जिया उससे झूठ बोलती है और कहने लगती है कि वो एक एडवांस रोबोट है और वो इन सभी कामों में माहिर है। अब जब मिनक्यू वहां से जा रहा होता है तो तभी वो नोटिस करता है कि जिया के फेस पर पसीना आ रहा है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जिया जल्दी से उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो उसे बचाने की जगह उसके परफ्यूम को पकड़ती है। अब नीचे गिरने की वजह से मिनक्यू को कुछ चोट लग गई थी। खैर अब इसके बाद अगले दिन जिया जब सफाई कर रही होती है तो तभी वो मिनक्यू के कार्ड्स के महल को गिरा देती है, जिसे मिनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। अब ये देखने के बाद मिनक्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता जिया उसे कहती है कि मेरी बैटरी 5% रह गई है और इसके बाद वो पावर ऑफ होने का नाटक करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर होंग को बताता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें अभी रोबोट को समझने की और जरूरत है। प्रोफेसर की इस बात पर मिनक्यू राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू से मिलने के लिए उसका बहुत ही खास मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना करता है और वो शख्स जो आने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड रिया थी। लेकिन जब रिया उसके शरीर पर हाथ रखती है तो उसके शरीर में एलर्जी होने लगती है। मिनक्यू उससे सब चीज छुपाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मिनक्यू अपने उस कमरे की तरफ भागता है जहां पर उसका इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसकी वजह से वो सिरिंज को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। अब तभी जिया वहां पर आकर देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे वहां पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनक्यू को एलर्जी नहीं थी और इसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल थी। छोटा मिनक्यू जब अपने लिए काट का महल बनाता है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मिनक्यू के जन्मदिन पर सब लोग आए होते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिनक्यू के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये लोग अपनी कार में बैठ कर घर जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से एक बलून उड़कर मिनक्यू के फादर के मुंह पर आ जाता है। उस वक्त उनकी कार के सामने से एक ट्रक आ रहा था और वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिनक्यू की आंख खुलती है तो वह अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था जो कि उस हादसे में मर चुके थे। अब बहुत सारे रिश्तेदार मिनक्यू से मिलने के लिए आते हैं लेकिन असल में वो मिनक्यू से मिलने के लिए नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी के वारिस बनने के लिए आए थे। इसके बाद जब मिनक्यू वॉशरूम में जाता है तो उसे अपनी जेब से एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर साइन मत करना। इसके बाद मिनक्यू अपने घर पहुंचता है और बाहर के इंसानों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई मिनक्यू की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। इसकी वजह से मिनक्यू किसी से ही मिलना पसंद नहीं करता। अब उसी वक्त से मिनक्यू को वो एलर्जी होना शुरू हो गई। अब उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा उसकी इस एलर्जी को कोई भी नहीं जानता। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। मिनक्यू की जब आँख खुलती है तो वो अपने पास जिया को पाता है। मिनक्यू अब देख पाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में। इसके बाद वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे इंजेक्शन देकर उसे नॉर्मल हालत में कर दिया था। अब जिया और मिनक्यू साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे थे और उनका ये रिश्ता गहरा होता चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे करीब होते चले जाते हैं। एक दिन मिनक्यू उसे अपनी और रिया की डेट पर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। अब जब रिया वहाँ से जा रही होती है तो वो मिनक्यू को हाथ मिलाने के लिए कहती है। इसके बाद जब मिनक्यू हाथ मिलाता है तो उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उसे वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब जब वो अपनी सिरिंज पकड़ता है तो वे सोचने लगता है कि उसे ये इंजेक्शन लगाना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है लेकिन इसके बाद जब जिया उसके पास आती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब जब जिया मिनक्यू को देखती है तो मिनक्यू का मॉनिटर भी नॉर्मल हो गया था और अब मिनक्यू बिना इंजेक्शन के ही ठीक हो चुका था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से दूसरे अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक बंदा आकर मिनक्यू से टकरा जाता है। अब वो बंदा मिनक्यू को चेक करने के लिए कि मिनक्यू ठीक है उसे पकड़ लेता है लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि मिनक्यू को कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब ये देखने के बाद मिनक्यू मार्केट में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके कि वो असल में ठीक है भी या फिर नहीं। मिनक्यू ने अपने पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं किया था। अब जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा आकर मिनक्यू के हाथ से टकराता है लेकिन अब भी मिनक्यू को कुछ भी नहीं होता। अब जब ये दोनों और आगे जाते हैं तो एक शख्स मिनक्यू का हाथ पकड़ता है। जब मिनक्यू जल्दी से अपने मॉनिटर को देखता है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। ये सब देखने के बाद मिनक्यू की आंखों में पानी आ चुका था। इसके बाद वो जल्दी से डॉक्टर ओ को कॉल करता है और वो वहाँ पर उनसे बताने लगता है कि मेरी ये एलर्जी खत्म हो चुकी है। अब तभी अचानक से एक शख्स आकर मिनक्यू से टकराता है और वहाँ पर एक बार फिर से उसकी वो एलर्जी उसे होने लगती है। उसका मॉनिटर तेज तेज बीप करने लगता है। इधर जिया मिनक्यू से अलग हो गई थी इसलिए वो मिनक्यू को ढूंढ रही थी। अब तभी उसे मिनक्यू दिख भी जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो उसका मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब तभी एक कपल इनके बीच में आ जाता है तो अचानक से उसका मॉनिटर एक बार फिर से पीप करने लगता है। यहाँ पर मिनक्यू अपने डॉक्टर से कहता है कि कोई तो यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो मेरी एलर्जी खत्म हो जाती है और जब मैं इसे नहीं देख पाता तो मेरी एलर्जी वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिनक्यू कॉल को बंद कर देता है और अब ये दोनों आपस में गले लगते हैं। यहाँ पर मिनक्यू जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो घर पर पहुंचने के बाद डॉक्टर ओ से कॉल करता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी ये बात सुनने के बाद हैरान था कि पहली बार मिनक्यू को एक इंसान के टच करने के बाद कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मिनक्यू जहाँ पर भी जाता है वो जिया को अपने साथ लेकर जाता है। मिनक्यू अब जिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगा था। अब इसी दौरान हम AJ3 रोबोट को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है लेकिन अभी इसे सही से काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि थोड़े दिनों बाद ही रोबोट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी उसे सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। एक दिन मिनक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है लेकिन उसे अकेली सीट पर बैठा देता है। इसके बाद मिनक्यू रिया और उसके बाप से मिलता है। ये तीनों आपस में वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। इधर रिया अकेले बैठकर परेशान हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद मिनक्यू जब उसे लेने के लिए आता है तो जिया उससे नाराज होकर वहाँ से चली आती है। अब मिनक्यू जब ही सेफ है जब जिया उसके साथ हो लेकिन एक दिन मिनक्यू अकेला ही गैस स्टेशन पर पहुँचता है जहाँ पर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर वहाँ पर मौजूद बर्कर को देता है। अब जब वो बर्कर दोबारा से उस क्रेडिट कार्ड को मिनक्यू को देता है तो उसका हाथ मिनक्यू से टच हो जाता है लेकिन मिनक्यू इस बात पे ध्यान नहीं देता
और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से मिनक्यू को ध्यान आता है कि जब उस बर्कर ने उसका क्रेडिट कार्ड वापस किया था तो उसके हाथ से लग गया था। उसे इस चीज से कुछ भी नहीं हुआ और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है और जिया भी उसके साथ नहीं है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर ओ से मिलने के लिए जाता है और वो वहाँ पर उनका थैंक्स करता है क्योंकि डॉक्टर ओ कई सालों से मिनक्यू को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और अब शायद मिनक्यू ठीक भी हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर ओ मिनक्यू से कहते हैं कि तुम्हें अब AJ3 रोबोट को वापस भेज देना चाहिए क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। अब अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर के पास जाता है और उसे बताता है कि शायद उस रोबोट से प्यार हो गया। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, एक रोबोट के बारे में। आखिर तुम रोबोट से प्यार कैसे कर सकते हो, रोबोट सिर्फ एक ऐसी मशीन है जिसे पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। ये सुनने के बाद मिनक्यू उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया और शायद मैं धीरे धीरे उसके चक्कर में पागल होता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मिनक्यू प्रोफेसर से उसका हल भी पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और उसे कहने लगता है कि एक रास्ता है, अगर वो AJ3 को रीसेट करते इस तरह वो अपनी सारी पुरानी मेमोरी को भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। अब ये सुनने के बाद मिनक्यू पूरी तरीके से उदास हो चुका था लेकिन अब उसे पता है कि यही उसके पास आखिरी रास्ता है। अब जब जिया ये खबर सुनती है तो वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब जिया आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनकर मिनक्यू के पास जाती है। यहाँ पर मिनक्यू आखिरी बार जिया के साथ घूमना चाहता है इसलिए वो बाहर लेकर जाता है जहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर मिनक्यू जिया का शुक्रिया अदा करता है। अब ये सुनने के बाद जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिनक्यू जिया के पास जाता है और अपने गले में से अपनी माँ का लॉकेट निकालकर जिया के गले में डाल देता है और अब वो यहाँ पर जिया को गले लगाता है और इसके बाद वो उसका रीसेट बटन दबा देता है। अब इस तरीके से AJ3 की सारी मेमोरी रीसेट हो चुकी थी। अब रात के समय में हम जिया को देख पाते हैं जो कि मिनक्यू के लिए बहुत ज्यादा रोती है। अब रात को जिया इतनी ज्यादा रोती है कि वो अगली सुबह को बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिया ने अभी भी मिनक्यू की माँ का लॉकेट पहन रखा है और इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिया अपने आगे का काम करने के लिए अपनी दादी के शहर चली जाती है और मिनक्यू रिया के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन मिनक्यू एक ट्रेन पर चढ़ता है जहाँ पर वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिया थी जो कि वहाँ पर मिनक्यू को देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। मिनक्यू यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद ये वही रोबोट है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के इतने ज्यादा पास होने के बावजूद भी कुछ भी बात नहीं करते क्योंकि जिया को मिनक्यू से बोलने के लिए मना करा गया था। लेकिन यहाँ पर मिनक्यू को अभी भी शक होता है कि ये शायद वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसरों को कॉल करता है और कहने लगता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा। प्रोफेसर उससे कहता है कि मैंने किसी को देखकर AJ3 को बनाया था और शायद तुमने अब उसी शख्स को देख लिया है। मिनक्यू यहाँ पर प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, तब वो प्रोफेसर उसे बात करने से मना करता है। अब प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी मिनक्यू उसका पीछा करता है और वो उसके पास पहुँच कर उसे बात करने की भी कोशिश करता है। तब जिया उससे बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करती है जैसे कि वो उससे पहले कभी मिली ही न हो, लेकिन फिर भी मिनक्यू अंदर जाकर बैठ जाता है। अब जिया जल्दी से किचन में जाकर अपने उस लॉकेट को निकालती है जो कि उसे मिनक्यू ने दिया था। अब यहाँ पर बहुत सारा समय बीत जाता है लेकिन अभी भी मिनक्यू वहाँ पर ही बैठा हुआ था जिसकी वजह से जिया उससे बात करने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर जिया मिनक्यू को सारी बातें सच सच बता देती है। वो उससे कहती है कि आज से 4 साल पहले प्रोफेसर होंग ने अपने रोबोट पर मेरा फेस यूज करने के मुझे पैसे दिए थे। मिनक्यू उसे सब करने की वजह पूछता है लेकिन जिया उसे यहाँ से भगा देती है। वो यहाँ पर मिनक्यू को धमकी देने लगती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर यहाँ पर बुला लेगी। तब मिनक्यू उसकी दादी से पूछता है कि क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा है, तब उसकी दादी उससे हाँ कह देती है और इसके बाद वो उसे यहाँ पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों के अंदर ही मिनक्यू उसकी दादी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बना लेता और अब वो किसी तरीके से जिया के साथ भी रहने लगा था और वो उसके साथ बिताए हुए पुराने समय को याद कराने की कोशिश करता है। खैर अब इसके बाद एक दिन जब मिनक्यू जिया को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर उसे जिया नहीं मिलती। इसके बाद वो जिया को लेकर परेशान हो जाता है। वो वहाँ पर जिया को हर जगह ढूंढने लगता है और आखिरकार वो जिया को ढूंढ भी लेता है। जिया मिनक्यू को देखने के बाद अपने नेकलेस को छुपा लेती है लेकिन मिनक्यू ने उसके नेकलेस को देख लिया था। अब ये जानने के बाद कि उसके साथ धोखा हुआ है उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब इससे पहले कि वो जिया से कुछ कह पाता उसे वहाँ पर एलर्जी होने लगती है और अब उसका मॉनिटर भी डेड पर पहुँच चुका था। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर मिनक्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब मिनक्यू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी तो इसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अब उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम थे।
और आप शायद मिनक्यू मर भी जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या मिनक्यू मर जाएगा या फिर जिया उसे बचा लेगी, इसके बारे में आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।